बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में एक रेमेडी। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बनाऊँगी, मैं एक रेमेडी बनाऊँगी जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हार्ट को हेल्दी और क्लीन रखता है, यहाँ तक कि बाईपास एंजियोग्राफी को रोक सकता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg अदरक, 1/2 kg लहसुन और 1/2 kg ही नींबू है। लेकिन हमें इसकी क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें देखनी है इसके जूस की क्वांटिटी। अगर हम 1 कप अदरक का जूस लेंगे तो 1 कप लहसुन का भी लेंगे और 1 कप ही नींबू का रस लेंगे। तो सबसे पहले अदरक लहसुन को अच्छे से धो लेंगे और इसका स्किन हटा देंगे। और 1 कप हमें एप्पल साइडर सिरका, जो कि मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, ये रेमेडी किसी हकीमी डॉक्टर का बताया हुआ है, ये मेरा नहीं है। मैंने उन पे ट्रस्ट किया और इस रेमेडी को बनाया और पूरे यकीन के साथ मैंने इसे ज़रूरतमंदों को दिया और जिसने भी खाया इसको डॉक्टर भी हैरान रह गए। तो मैंने तीनों चीज़ों का जूस निकाल लिया है। अब इसे एक पतीले में छान कर डाल देंगे और 1 कप एप्पल साइडर सिरका डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये 3 कप ना रह जाए। फिर गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो जिन लोगों को डॉक्टर ने परहेज बताया था, खाने में उबली हुई सब्ज़ियाँ ही बताई थी और कुछ भी खाने से मना किया था, उन लोगों ने इस रेमेडी को अपनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो मैं ये वीडियो अपनी एक कज़न सिस्टर के लिए बना रही हूँ जो कि नेपाल में रहती हैं। मैंने उन्हें एडवाइस दिया था तो उन्होंने कहा था वीडियो बनाकर बताना। तो जिन लोगों के पास जूसर मशीन नहीं है तो वो घबराएं नहीं, वो 250 ग्राम लहसुन को एक मिक्सर जार के अंदर डालें और 1.5 कप पानी डालकर उसको पीस लें और फिर उसे एक छन्नी से छान लें। इसी तरह 250 ग्राम अदरक को 1.5 कप पानी के साथ पीस लें और उसे छान लें। तो इस तरह से भी जूस निकाल सकते हैं। इसे पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गया है, इसे मैंने लगातार स्पून चलाते हुए पकाया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, 4 कप जूस था ये, अब पकने के बाद 3 कप रह गया है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है तो अब इसके अंदर 3 कप शहद डालेंगे। और मिक्स करेंगे, फिर किसी कांच की बोतल या जार के अंदर डाल देंगे और इसे हर सुबह नहार मुंह 10 ml या 3 टेबल स्पून खा सकते हैं। इसे रूम टेम्परेचर में रखें, फ्रीज में ना रखें। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।